तो देखिए है ना, ये लाजवाब मिठाई, ये मूंगफली और खोआ की स्वादिष्ट और हेल्दी मिठाई। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, आपको देख के लग रहा होगा इसका टेस्ट का अंदाज़ा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खोया और मूंगफली की मिठाई, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह मिठाई बनाने के लिए हमने 100 ग्राम के आसपास मूंगफली लिया है और उसे रोस्ट किया है। आप चाहे तो तवे पे भी रोस्ट कर सकते हैं, हमने फ्राई पैन पे इसे रोस्ट किया है। यह 2 से 3 मिनट में बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा फाइनली रोस्ट हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है बादाम हमारा। इसको बगैर तेल का रोस्ट करेंगे हम, और इसके छिलके को हम बारी बारी से निकालेंगे, हाथों पे मसलते हुए इस प्रकार से इसका छिलका निकालेंगे। आपको जैसे सुविधा हो इसके छिलके उतारने में आप वैसे निकाल सकते हैं। हमने इस प्रकार से इसके सारे छिलकों को निकाला है। उसके बाद हम मूंगफली को ग्राइंड कर लेंगे, मूंगफली और चीनी को हम ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली को थोड़ा दरदरा ग्राइंडिंग करेंगे और चीनी को बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली मूंगफली का छिलका उतर चुका है सारा। तो अब हम खोया बनाएंगे। खोया बनाने के लिए हमने 1 kg दूध लिया है। तो खोया बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में दूध डालेंगे और इसे बिल्कुल तेज फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा ये फाइनली खोआ तैयार है बनके। ये देखिए अब कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो इसी स्टेज पे हम उतार लेंगे। इसे हम ज़्यादा सुखाएंगे नहीं, क्योंकि उतारने के बाद थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी टाइट होगी। तो हमारा फाइनली खोआ तैयार है बनके। ये खोआ हमारा लगभग 350 से 400 ग्राम के आसपास हुआ है 1 kg दूध में। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और खोआ को डालेंगे। खोआ को हमने ठंडा करके यहाँ पे डाला है। खोआ को हमने लगभग 2 से 3 घंटे तक ठंडा करके रखा है। और घी डालने के बाद हम इसमें खोआ को डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और घी इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है घी और खोआ। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे हमने मूंगफली का जो ग्राइंड करके रखा था इसे दरदरा, तो उसे अब डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके। एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि इसका हम डो देखेंगे कि किस प्रकार से बनता है। ज़्यादा हमें पतला इसका डो होगा तो फिर ये इसका मिठाई नहीं बन पाएगा अच्छे से। तो इससे अच्छे से डो इसका तैयार करना है ताकि ये हम हाथों में इसका जो लड्डू का शेप हम देंगे वो बना सके। तो ये देखिए हमारा कढ़ाई भी छोड़ रहा है और ये मूंगफली भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है। तो इसमें यहाँ पे 1 चम्मच और घी हम ऐड करेंगे। घी थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे नहीं तो फिर इसका डो अच्छे से नहीं तैयार होगा। ये देखिए हमारा पैन छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डो लगभग तैयार होने को है। आप इस मिठाई को अपने घर पे बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही हेल्दी होता है। तो थोड़ी सी और हमने मूंगफली का चूर्ण यहाँ पे डाला है। मूंगफली के चूर्ण को हम ज़्यादा पतला नहीं, बिल्कुल ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल दरदरा इसे
ग्राइंड कर लेंगे हम। तो ये देखिए, तो ये देखिए हमारा फाइनली मूंगफली और खोआ का डो तैयार है। तो अब हम गैस के चूल्हे को बंद कर देंगे और फ्राई पैन को उतार लेंगे। तो गैस से उतारने के बाद हम इसमें चीनी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे इसमें और इसे मिलाते रहेंगे। ये हमने पिसी हुई चीनी लगभग 100 ग्राम के आसपास लिया है। इसका जो मात्रा है वो 350 ग्राम के आसपास खोआ है, 100 ग्राम मूंगफली और चीनी हमने 100 ग्राम लिया है। तो 100 ग्राम से थोड़ी सी कम ही लगेगा, आपको जैसा मीठा खाना पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें मीठा डालें। और मूंगफली का ये जो मिठाई है ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। तो इसमें थोड़ी सी और पिसी हुई चीनी हम ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब आपको ये डो जो है बिल्कुल मिठाई बनने के फॉर्म में लगभग आ चुका है, आपको पता चल रहा होगा। इस डो की कंसिस्टेंसी को देखकर तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इलायची का हमने पेस्ट बनाया है। इलायची को कूट के हमने यहाँ पे डाला है, लगभग 3 से 4 इलायची। और इस सब को अच्छे से मिला लेंगे। तो फाइनली हमारा डो तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसे मिठाई का शेप देंगे। तो हमने यहाँ पे लड्डू का शेप इसे दिया है। आप जिस प्रकार का शेप रखना चाहते हो इसे, आप चाहे तो किसी कंटेनर बर्तन में डाल के इसे बर्फी का भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लड्डू का शेप दिया है। तो थोड़ी सी हाथों में हमें लग रही है, तो हम यहाँ पे घी का प्रयोग करेंगे। मैंने देखा था एक लड्डू को बांध के, लेकिन थोड़ी थोड़ी हाथों में लग रहा है। तो हमने अब थोड़ी सी घी ले लिया है और अब फिर से हम इसे लड्डू को तैयार करेंगे। शेप मिठाई का आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए है ना, ये बिल्कुल अब चिकना चिकना सा लड्डू तैयार हो रहा है क्योंकि हमने हाथों में घी लगाया है। तो सारे मिठाई को हमने शेप दे दिया है। तो देखिए इस प्रकार का हमारा शेप बन के तैयार हुआ है मिठाई। तो अब हम यहाँ पे मूंगफली के चूर्ण को थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे उससे, ताकि ये देखने में और ही टेस्टी और डिलीशियस लग सके। और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनके तैयार है, मूंगफली और खोआ की। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।